लखनऊ में सीएम योगी ने बढ़ते कोरोना मामले को लेकर ली बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। चित्रकूट शराब कांड में बड़ा खुलासा, सस्पेंड आबकारी अधिकारी चतुर सेन पर पहले भी उठे थे सवाल। चित्रकूट शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत, 11 लोगों को निलंबित किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की एसओपी, मास्क, आरोग्य सेतु ऐप, अनिवार्य मतदान केंद्र को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा। लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार, शूटर बंटी कुख्यात सुनील राठी गैंग का है सदस्य। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड, मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा पहली डोज के बाद दूसरी खुराक 4 से 8 हफ्तों में दी जाए। विश्व जल दिवस के मौके पर बुंदेलखंड को बड़ी सौगात, केन बेतवा लिंक परियोजना के समझौते पर यूपी के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए हस्ताक्षर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए, जन समस्याओं के भी जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए। यूपी में अब अंग्रेजी के साथ संस्कृत भी सीखेंगे नौनिहाल, हर गांव में शुरू होगी संस्कार की पाठशाला। जौनपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 58 की पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, 375 ग्राम गांजा बरामद। महाराजगंज में माफिया के हौसले बुलंद, अवैध खनन रोकने पहुंचे एसडीएम के साथ बदसलूकी कर खदेड़ा, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। मेरठ में एसएसपी ऑफिस के बाहर 2 परिवारों में हुई मारपीट, महिलाओं और दिव्यांग ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा। फरुखाबाद में बिना भंडारण की अनुमति के कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने किया भंडारण, सरकार ने सख्त कर दिया लाइसेंसिंग की प्रक्रिया। जौनपुर में विश्व जल दिवस के मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली रैली, लोगों को किया जागरूक। जौनपुर में जेल वार्डन फायरमैन की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया, 499 अभ्यर्थियों का हुआ परीक्षण। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थिति में युवती का शव बरामद, 2 दिन पहले लापता हुई थी युवती। आगरा पहुंचे उज्बेकिस्तान के राजदूत फरहौद आरजीवी, परिवार संग किया ताज का दीदार। देवरिया के सीएमओ ऑफिस में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, ऑफिस में सरकारी कर्मी बिना मास्क के आए नजर। इटावा में दबंगई करने के लिए की गई फायरिंग, एक व्यक्ति घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में विश्व जल दिवस के मौके पर छात्रों ने सैंड आर्ट के जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया। गोंडा में बदमाशों ने बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे पिता पुत्र से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। देवरिया में ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगता था। रुद्रपुर में विधायक भरत सिंह चौधरी ने सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दिलाई, सड़क निर्माण की सूचना से लोगों में खुशी का माहौल। पीलीभीत में एक ठेकेदार की आत्महत्या का मामला सामने आया, मृतक के परिवार वालों ने की कार्रवाई की मांग। औरैया में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, मौके पर 3 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया तीक अहमद की मुश्किलों में इजाफा, गैंगस्टर समेत 5 मुकदमों की चार्जशीट दाखिल। यूपी में प्ले स्कूल खोलने के लिए लेनी होगी मान्यता, राज्य सरकार ने नियम बनाने की तैयारी की। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, सेना पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 आतंकी ढेर।